बगैर वर्जिश और बगैर डाइट के वजन कम करने के लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही जबरदस्त टिप, जिसको फॉलो करके आप कर सकते हैं 15 से 20 दिनों में 7 से 8 kg वजन कम। 100% गारंटी है। अगर आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखेंगे और एक एक स्टेप फॉलो करेंगे तो यकीन है आप भी अपना वजन कम कर लेंगे बिना किसी डाइट के और बिना किसी वर्जिश के। ज़बरदस्त वीडियो देखने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब तक जिए सेहत के साथ जिए, इसी खूबसूरत दुआ के साथ अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाश्ते से पहले आपको किसी भी कहवे या किसी भी कोई भी जीरे का पानी या कोई भी ऐसा मशवरा नहीं दूंगी। जिस तरह आप सिंपल अपना ब्रेकफास्ट करते हैं उसी तरह आपने अपना ब्रेकफास्ट करना है। जो रोटी आप अगर सादी रोटी का इस्तेमाल करते हैं या पराठे का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर पराठे का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको सादी रोटी की तरफ आना पड़ेगा। दरमियाने साइज़ की आपने सादी रोटी खानी है। और अगर आप नहीं खा सकते तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही हल्का थोड़ा सा ऑलिव ऑयल आपने रोटी के दोनों तरफ लगा लेना है। अगर नहीं ऑलिव ऑयल ले सकते तो कुकिंग ऑयल लेना है, लेकिन थोड़ा सा आपने इस्तेमाल करना है। रोटी के साथ आप अगर ऑमलेट खाते हैं तो ऑमलेट में भी आपने बहुत ही थोड़ा 1 से 2 चम्मच में ऑमलेट अपना बनाना है। ये सारी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि कितना आप बहुत ही मज़ेदार सिर्फ 1 से 2 खाने के चम्मच में कितना बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बना सकते हैं। तो नाश्ते में आपने अगर बॉयल्ड एग का इस्तेमाल कर सकते हैं, सालन का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटी के साथ ऑमलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने नाश्ते के दौरान या नाश्ते के बाद पानी नहीं पीना। चाय का इस्तेमाल बेहतर है कि आप आधे या पौने घंटे के बाद करें नाश्ते। सबसे बेस्ट यही है कि आप नाश्ते से पहले पानी पी लें। के बाद स्नैक टाइम की बारी आती है। आपने स्नैक टाइम पे भूखा बिल्कुल भी नहीं रहना, दोपहर तक इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि अगर आप स्नैक टाइम में भूखा रहेंगे तो दोपहर को आपको बहुत ज़्यादा भूख लग जाएगी। स्नैक टाइम के लिए आप फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने उन फ्रूट का इस्तेमाल करना है जो आपका वेट गेन नहीं कराते हैं, जो वेट लॉस में हेल्प करते हैं, उन फ्रूट का आपने इस्तेमाल करना है। या कोई भी ऐसी चीज़ आपके पास अवेलेबल है जो वेट गेन नहीं कराती और वेट लॉस में हेल्प करती है, जो ऑयली नहीं है और मीठी नहीं है, उस चीज़ का आप स्नैक टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं। वज़न कम करने के लिए 2 चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी पड़ेंगी। एक तली हुई चीज़ों से अवॉइड करना पड़ेगा, दूसरा आपको मीठे का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क करना पड़ेगा। दोपहर के खाने की बारी आती है तो दोपहर के खाने में आपने अपने डाइट में सलाद ज़रूर ऐड करना है। जो भी आप खाना खा रहे हैं उनके साथ थोड़ा सा सलाद ले लें। दरमियाने साइज़ की एक सालन ले लेंगे और साथ में अगर आपके पास कोई टिक्का या कबाब या बारबेक्यू की हुई कोई चीज़ आप खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं, दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह आपने दोपहर का अपना खाना खाना है। इसके बाद फिर शाम को स्नैक टाइम की बारी आती है। अगर आपको कॉफ़ी पसंद है, चाय पसंद है, आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, लेकिन आपने ज़्यादा दूध वाली चाय का इस्तेमाल नहीं करना, मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना और रात के टाइम पर आपने खाने के साथ रोटी का इस्तेमाल नहीं करना। खाने आपने सोने से थोड़ी देर पहले ही खाना खा लेना है, फुल सोने से पहले आपने खाना नहीं खाना और हल्की फुल्की डाइट का इस्तेमाल करना है। आखिर मैं आपको कुछ और टिप्स मैं देना चाहूँगी कि सबसे बेस्ट ये है कि जब भी आप खाना खाएं उससे पहले 2 गिलास पानी पी लें। खाने के दौरान या खाने के बाद पानी का इस्तेमाल ना करें। अपनी नींद अच्छी तरह से पूरी करें। लिक्विड कैलोरीज का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें। जैसे आप फ्रूट के जो भी बाज़ार में जो जूस अवेलेबल होते हैं, आप मीठे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल आपने बिल्कुल छोड़ देना है। ये वज़न गेन कराने में सबसे बड़ी रीज़न होती है। तो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल, जूसेस का इस्तेमाल और मीठी चीज़ों का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। अपनी डाइट में आपने बिल्कुल थोड़ी सी चेंजेस लानी है। अगर आप नहीं भी वर्जिश कर सकते, नहीं भी आप कोई भी सख्त डाइट फॉलो कर सकते, तो इन टिप को अपनी रूटीन में फॉलो करेंगे तो आपका वज़न ज़रूर कम होगा। मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इसको फॉलो करने से आपका वज़न कम हुआ या नहीं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे लाइक भी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।